हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये प्यारा सा साड़ी कवर बैग। तो इसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को क्विल्ट कर लिया है, नीचे लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर मेन फैब्रिक, कोई भी ले लेना है आपके लिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार किया है। आप इसकी जगह फॉर्म सीट या रबड़ सीट या फिर आटा बैग भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 31x31 इंच का स्क्वायर पीस लिया है। ये देखिए इसकी चौड़ाई भी 31 इंच है और लंबाई भी 31 इंच है। ये देखिए, तो आप स्क्वायर पीस एक ट्रिक से और भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से कॉर्नर को मिलाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर पीस बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम बैक साइड से रखेंगे, कॉर्नर को कॉर्नर से मिला लेंगे। तो अच्छे से मैंने इसको बैक साइड से फोल्ड करके रख लिया है। 7x7 इंच का हम दोनों साइड से निशान लगाएंगे। ये देखिए, और एक बॉक्स बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी 7x7 इंच का बॉक्स बना लेंगे। तो दोनों साइड हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन बॉक्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। ये जो हमने पीस कट किए हैं इनका यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, इनको मैं साइड में रख देती हूँ। तो इस तरीके से इसकी शेप आएगी। ये देखिए 17x17 इंच का यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, इसको भी मैंने प्लास्टिक की बोरी के साथ क्विल्ट कर लिया है। ये देखिए, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसका मेजरमेंट। तो ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर हमारा मिल लिया है, ये इस तरीके से। तो हम इसको सीधी साइड से रखेंगे। इस तरीके से आपको कॉर्नर को पकड़ना है, किसी भी साइड से आप दो कॉर्नर पर पिनअप कर लीजिए। तो मेजरमेंट इसका सेम है, दो कॉर्नर के लिए आपको इस तरीके से पिनअप करना है। दूसरी साइड भी हम इसको पिनअप कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब 2 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी हमने यहाँ पर दो पट्टी ली है, इनको इस तरीके से रखना है अंदर की साइड फोल्ड करके। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। 50 इंच लंबी हमने यहाँ पर जिप ली है। ये देखिए, अब कपड़े को हम सीधी साइड से रखेंगे इस तरीके से, जिप को हम उल्टी साइड से रखेंगे इस तरीके से मिलाते हुए किनारे से। इसको हम पिनअप कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको अंदर की साइड पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जिप के लिए हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम किनारे किनारे टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पर हमने दो रनर लिए हैं, दोनों साइड से एक एक रनर को ऐड कर लेंगे। ये देखिए, दोनों रनर के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ये देखिए, तो इस पीस को हम सीधा कर लेंगे। अब दूसरा पीस लेना है 17x17 इंच का, इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग हमने कर ली है। अब इसको हम अंदर की साइड दबाएंगे, ऊपर से टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो टॉप सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ पर हम जिप पर निशान लगा लेंगे सेंटर में। ये देखिए, तो यहाँ पर भी हमने जिप पर निशान लगा लिया है। अब ऊपर वाले पीस को हमें इस तरीके से पकड़ना है और इस निशान से मिलाएंगे और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। तो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। तो पूरे में हम इसी तरीके से पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम किनारे किनारे यहाँ तक
कॉर्नर तक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस कॉर्नर पे भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच चौड़ी 7 इंच लंबी हमने यहाँ पर पट्टी ली है, इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है ये देखिए। अब ऊपर वाले पीस के हम कॉर्नर कट कर लेंगे ताकि हमारी जिप फोल्ड अच्छे से हो जाए। ये देखिए अब इसको अंदर की साइड दबाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर पलट कर हम सिलाई लगा लेंगे टॉप सिलाई। तो ये देखिए टॉप सिलाई हमने लगा ली है। तो ये जो धागे हैं वो हमारे चैन में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो धागे नहीं फंसेंगे तो चैन भी हमारी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए बैग हमारा बनके तैयार हो गया है। एक पुराने कपड़े से बिल्कुल फ्री में पर साड़ी रख रही हूँ। आप इसमें कंबल, रजाई, बच्चों के कपड़े, बेडशीट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्यारा सा स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया बिल्कुल फ्री में। मैंने यहाँ पर 2 रनर डाले हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया बिल्कुल फ्री में। तो मैं इसका फाइनल मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टोरेज बैग बनके तैयार हुआ है 16x16 इंच का। तो ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है। तो बैग की ऊँचाई है 7 इंच। तो ये था बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।